राजस्थान की सियासत की तरफ रुख करें तो लंबे वक्त से चल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो विवाद है उसे थामने की कोशिश में अब कांग्रेस आलाकमान एक्टिव मोड पर है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस विवाद का समाधान निकालने में जुटी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक आज किसी भी वक्त सचिन पायलट से मुलाकात यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की हो सकती है। इस बीच खबर यह है कि पार्टी आलाकमान की तरफ से सचिन पायलट को महासचिव पद का ऑफर दिया गया, लेकिन पायलट अपने समर्थक विधायकों की सरकार में हिस्सेदारी के लिए अड़े हुए हैं। दिल्ली दरबार पहुंचा राजस्थान कांग्रेस का घमासान, और वो खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे। वो 5 साल यहाँ अध्यक्ष रहे और उसके बाद जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जो नेतागण रहे जिन्होंने संघर्ष करा, उनकी बात को उन्होंने उठाया तो जायज बात उन्होंने रखी। कांग्रेस आलाकमान एक्टिव, प्रियंका निकालेंगी समाधान। जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर संतुष्ट नहीं होगा तो मैं क्षेत्र का विकास थोड़ी करा पाऊंगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखना बहुत जरूरी है। राजस्थान कांग्रेस का घमासान अब दिल्ली तक पहुँच चुका है। पिछले 2 दिनों से सचिन पायलट राजस्थान छोड़कर दिल्ली में डटे हुए हैं। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी का दामन थामने से कांग्रेस सकते में है, लिहाजा पायलट से सुलह सफाई की कवायद तेज कर दी गई। सूत्रों की माने तो गहलोत और पायलट विवाद खत्म करने के लिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक्टिव है। इतना ही नहीं, आज किसी भी वक्त सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है। पिछले 2 दिनों से प्रियंका गांधी लगातार पायलट के संपर्क में। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट 9 में से लगभग 6 से 7 मंत्री पद चाहते हैं। सचिन चाहते हैं कि उनके विधायकों की अनदेखी ना हो और उनको राजस्थान सरकार में एडजस्ट किया जाए। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माखन से भी मुलाकात कर चुके हैं। वैसे तो सचिन पायलट ने अभी तक खुद चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके समर्थक विधायक आलाकमान पर दबाव बनाने में पीछे नहीं है। उस पर से राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग का विवाद सिर उठाने लगा है। सचिन गुट के विधायकों ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। मौका देखकर अब बीजेपी नेता राज्य सरकार को फोन टैपिंग मामले पर स्पष्टीकरण देने की नसीहत दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ही कुछ विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की शिकायत की है कि हमारे इलीगली टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार और सरकार के मुखिया को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। इधर सूत्रों की माने तो सचिन पायलट को कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। हालांकि सचिन ने ये साफ कह दिया है कि सबसे पहले उनके खेमे के विधायकों के साथ हो रहा बुरा बर्ताव और अनदेखी खत्म हो। टीम न्यूज़ नेशन।